वेरी गुड मॉर्निंग, फिर हम हाजिर हैं आपके साथ। भाई चलते हैं, आज हम शूट पर हैं तो फटाफट चल के देखते हैं राजश्री रानी क्या कर रही है, जिसमें उनको बताया नहीं गया है। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? अरे ये क्या है इतना सारा, ये क्या हो गया तुमको भाई, बताओ। हाँ कुछ तो हो गया है मुझे। क्या हो गया है? अच्छा हुआ तुमने शूट किया, लोगों को ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जीवन में इंसान हर वक्त खुश और उछलता कूदता नहीं रह सकता है, कभी कभी वो बीमार भी पड़ जाता है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि भैया खुश रहो, चीजें रहे, ऐसे कितना बीमार, मतलब ऐसा क्या बीमार हो? मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं अब तक कम से कम 50 डॉक्टरों पे जा चुकी हूँ और हर किसी को अपने सिम्टम बता चुकी हूँ, पर कोई मुझे ये नहीं बता पा रहा है कि मुझे हुआ क्या है। अच्छा तो फिर ये समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ, इसलिए इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं। इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, मैं लगभग 25 दिन से बीमार हूँ। इसीलिए तुम कुछ कर ही रही हो, पोस्ट ही नहीं करती हो, है ना? ओह लोग इंतजार में रहते हैं। खैर इससे एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि तुम बीमार हो तो घर में शांति इसलिए बनी रहती है। अगर तुम चाहते हो कि शांति बनी रहे तो मतलब तुम चाहते हो कि मैं बीमार रहूं हमेशा। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि तुम खुश रहो, लेकिन हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान है, तो इसका भी शायद यही है कि थोड़ी सी शांति, लेकिन उससे लेकिन कई बार मैं एक ऐसा चेहरा हो गया तुम्हारा यार। कई बार मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहती हूं, तुम थोड़ा इधर उधर हिलना बंद करो, ये बहुत जरूरी बात है। कई बार आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, आप हर चीज टिक कर देते हो कि ये भी लाइफ में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसके बाद भी कभी कभी आप बहुत अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हो। पहले मुझे इन सब बातों पे हंसी आती थी कि जिन्हें बिना वजह बेवजह ही जो अपसेट होते हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर देते हैं, पर मैं उनमें से एक ही हूँ। पूरा घर, पूरी फैमिली, मेरे ससुराल के 50 लोग और मेरे मायके के लोग, तो तुम्हारे साथ साथ सबको उलझा के रखा हुआ है। मैंने सबको उलझा के रखा है, मेरे सारे घर वाले परेशान हैं, अलग अलग डॉक्टर्स पे जा रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है कि मुझे डिप्रेशन है, क्योंकि वैसा कुछ तो नहीं है। गौरव तो बिल्कुल भी ये बात मानने को तैयार नहीं है और अलग से मुंह बना रहा है। अलग मान लूं मैं ये बात कि डिप्रेशन? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपनी सोच से, डिप्रेशन एक बीमारी है, बिल्कुल बात सत्य है, और उसके लिए क्या कर सकते हो, आपको खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी अपने दिमाग से, क्योंकि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती, लेकिन आपका माइंड, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं मुझे मेरे डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है कि सोचने के लिए कि सोचो ही मत कुछ नहीं, तुम्हें सारी प्रॉब्लम फिजिकल है, फिजिकल और मेंटल नहीं बोला कि आप ज्यादा सोच रही हैं चीजों को। हाँ, बट उन्होंने मुझे कोई थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए नहीं बोला है, तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे खुद जिस दिन फील हुआ कि मुझे हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल जाना चाहिए। बोलते हैं ऐसा, तो बुजुर्ग भी कह गए हैं लोगों से बात करो, आप अपनी चीजें शेयर करो, चीजें हल्की होंगी, लेकिन इंसान शेयर नहीं कर रहा है ना। आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है कि वो आपकी बातें सुने। शायद मैं ही एक ऐसी थी जो सारे लोगों की तकलीफें घंटों बैठ के बिना उन्हें जज करे सुनती थी, और आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मैं कुछ ना बोलने के लायक रह गई हूं। तो इससे ये कहना चाह रही है कि कोई है जो इनकी बातें सुने? आप चाहती हैं किसी को बातें सुनाना? मुझे ये खूब सुनाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सुना नहीं रही है। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जो मेरी बातें सुने, समझे और वही आंसर दे जो मैं चाहती हूँ। हर कोई मुझे एक ही बात बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो, तुम ठीक। अरे मैं नहीं ठीक हूँ, मैं अंदर से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। हाँ तो नहीं कर रही हो तो उसकी दवाइयाँ खा तो रही हो, ठीक हो जाओगी। आपको मेंटली ये प्रिपेयर करना पड़ेगा ना कि ठीक है मुझे कोई बीमारी है, अब मैं उसके लिए तैयार हूँ और मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो फिर से शूट पर आ गए हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है कि इनकी तबीयत जो है ख़राब चल रही थी। पूछते हैं अभी इनकी तबीयत का हाल, तो कैसा महसूस कर रही हैं इतनी सारी दवाइयाँ जो खाई हैं, आपका दिमाग अभी क्या कह रहा है? अभी थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। अच्छा, भूख लगने लगी है मुझे, और कल सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग में एंडोस्कोपी है। ओह यस यस यस, एंडोस्कोपी के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला कि बहुत 2-3 मिनट की ही बात होगी जो आपको ओटी में ले जाके करेंगे, बट आप पूरी तरह से बेहोश नहीं होंगे, चीजें नहीं होंगी, बट बहुत सारे लोग मतलब ऐसा डरा रहे हैं तुमको। मैं डर गई हूँ अंदर से कि रोना तो नहीं आ रहा ना? रोना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं लेकिन क्या लेकिन डर तो लगता है ना कि ठीक है। सर्जरी है?
सर्जरी नहीं बोलते हैं इसे, इसमें एक तरीके से एंडोस्कोपी में आपके पेट के अंदर क्या हो रहा है या आपकी फूड लाइन में आपको प्रॉब्लम तो जो पेट की उससे रिलेटेड है, इसीलिए आपका माइंड अपसेट रहता है। मुझे नहीं पता माइंड किस वजह से अपसेट रहता है, फिलहाल अभी अपसेट नहीं रहता है। मैं फोन देखने लग गई हूँ, मैं टीवी देखने लग गई हूँ, थोड़ा सबसे बातें करने लग गई हूँ, तो अभी मैं बहुत बेहतर हूँ। अगर टीवी देखने लगी हो, फोन देखने लगी हो, दैट शोज कि आप परफेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता था ना, कि मैं तुमसे भी बात नहीं करती थी, और मैं बात करती थी मुझसे बात सिर्फ बीमारियों के लिए। हाँ, बात ये बात तो है। शॉर्ट के लिए बुला लिया है तो मैं जा रही हूँ, तो थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा। कल हम एंडोस्कोपी जाओगे ना? नहीं, लेकिन शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी है। मैं बता दूं रिपोर्ट में कुछ नहीं आना है। हाँ, लेकिन कल रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चलेगा, वहाँ शूट तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और पता नहीं मैं कब ऐसे एकदम ऐसे कब होंगी वो मुझे नहीं पता। तो देखो अभी जैसे हुई ऐसे ही होती रहो, हो जाओगी। नहीं, चलो जाओ, शॉर्ट के लिए बुला लिया, बाय। तो जैसे कि आपको बताया था कि रिपोर्ट हम करवाने वाले थे और रिपोर्ट हो चुकी है एंडोस्कोपी राजश्री रानी की, तो आइए जानते हैं कि रिपोर्ट में क्या निकला है। हाँ जी, आपकी रिपोर्ट हो गई है। हो गई। तो अब आपको कैसा लग रहा है रिपोर्ट करा कर? रिपोर्ट में मैं वो कैमरे के थ्रू ना मेरी आतड़ियों में, आतड़ियों को छोड़ो, आतड़ियां, ओ देखिए आतड़ियों में घुस के उन्होंने देखा है। और ये तो एकदम आतड़ियां तुम्हारे पेट के अंदर वाली जैसी दिख रही है। लेकिन पेट के अंदर ही तो होती है ना आतड़ियां, वैसी दिख रही है ना एग्जैक्टली। लेकिन एक बात बताऊं, एंडोस्कोपी ना बहुत महंगी होती है, मतलब थोड़ी महंगी होती है। लेकिन मैंने रिपोर्ट से पहले क्या कहा था सबको, तो याद पैसे भी लग गए और निकला भी कुछ नहीं। ये देखिए, ये मतलब मेरी बीवी बन गई है, बनिए की बीवी बन गई, इनकी सोच भी वैसी हो गई है, पैसा खर्च हुआ तो कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। मतलब ठीक है, मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि मुझे कुछ निकला नहीं है, मुझे सिर्फ तो जो मेंटल इशू था अब ठीक लग रहा है आपको रिपोर्ट्स देखने के बाद? नहीं, वो उसको ठीक होके थोड़ा टाइम हुआ है, पर मुझे कभी अभी बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो आ जाता है, तो शायद जाते जाते ही जाएगा। मेरी मेडिसिन शुरू है हालांकि, अभी मैंने ठीक है, जाते जाते जाएगा, और कोई टेस्ट होगा तो वो भी करवाएंगे। आप कोई टेस्ट नहीं करवाएंगे, जितने टेस्ट होने थे हो गए, ऑलमोस्ट मैंने सारे ब्लड टेस्ट एंडोस्कोपी सब कुछ करा लिया है, तो फाइनली अब ये ठीक हो गई है, ऐसा मान लिया जाता है कि ये इनको कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है। जो थोड़ा सा इनका मन विचलित हो रहा था, माइंड इनका इधर उधर, जो फोकस इनके माइंड का हिला हुआ था, वो मैंने एकदम ठीक कर दिया है ना। तो आज से यू आर परफेक्ट, तुमको कुछ भी नहीं है, और जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी उसके लिए टैबलेट दे दिए डॉक्टर ने। यस, चलिए बहुत अच्छा हुआ, भगवान भला करे मेरा कि इतनी दिक्कतें हैं जो हमारी राजश्री को हो रही थी वो सब दूर हो गई। नहीं, चलिए खैर। तो दोस्तों, ये बीमारी का इनका इलाज हो गया है, एंड नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन, परफेक्टली ओके, और खुश हैं हम, आप भी खुश रहें, इसी तरह हमारे ब्लॉग देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर।